मीन्स गुड मॉर्निंग। और आज संडे है और छुट्टी का दिन है, सब लोग धीरे धीरे ही उठे, देर से उठे, और अभी तो बस बाथ ले लिया है, क्लीनिंग वगैरह सब हो गई घर की, पौधों में पानी पड़ गया है, खरगोश ने अपना खाना खा लिया है, फिशेज ने भी अपना खाना खा लिया है, अभी हम लोगों का सब बाकी है बनाना। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और जाके नाश्ता बनाने वाली हूँ, उसके वो सब आपसे शेयर करूँगी। और संडे का दिन है तो इतना कोई जल्दीबाजी तो होती नहीं है, आराम से रिलैक्स ही रहता है, तो जैसे जैसे होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ब्लॉग पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में हिचकिए मत, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और लाइक करिए, शेयर करिए। और ये इसलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि मुझे बहुत व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ सब लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में हिचक सी होती है। कमेंट्स भी करिए जो आपको लगता है, जैसा भी आपको मन में आता है, जो भी दिल में आता है वो कमेंट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे को अप्रिशिएट ही करें हर वक्त, आपके मन में कुछ और आता है जैसे कि कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, वो सब भी आप कर सकते हैं, तो वो सब करिए। और अब चलते हैं किचन में, आप भी आइए मेरे साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये देखिए सब फैला पड़ा हुआ है, पालक की गड्डी है, धनिए की गड्डी है। तो सबसे पहले मैं जो धनिया की गड्डी लाई हूँ इसको मैं क्या करती हूँ कि साफ करके और काट के बारीक बारीक एक बॉक्स में रख लेती हूँ। तो क्या है कि कभी भी जब ज़रूरत पड़े तो मैं थोड़ी सी धनिया लेके सब्जी वगैरह में डाल दी या किसी में भी डाल दिया, मतलब रेडी रहेगी धनिया तो यूज़ हो सकती है, और ऐसे गड्डी में रहेगी तो जल्दी ख़राब भी होती है और उसमें फिर टाइम भी बहुत लग जाता है। तो ये सब धनिया मैंने काट ली है, ये काम मैं निपटाती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि अगर धनिया ऐसी रखी रहेगी तो फिर बहुत आलस आता है उसको यूज़ करने के लिए। और ये मैंने डब्बा है बॉक्स, इसमें मैं ये धनिया के पत्तियाँ रख दूँगी कटी हुई बारीक, और इसको मैं सीधा फ्रिज में रख दूँगी, तो ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहती है। आपका जब मन करे आप निकालिए, धोइए और इसको सब्जी वगैरह जब भी किसी में डालना हो डाल सकते हैं। ये देखिए, और ये होने के बाद मैं आ जाती हूँ, पालक का टर्न आ जाता है, पालक की गड्डी भी मैं लाई थी, तो पालक ये बिल्कुल फ्रेश है, इसको जल्दी से जल्दी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छे से दो तीन पानी धोऊंगी क्योंकि मिट्टी वगैरह रहती है, और अगर ज़्यादा पानी ना धो तो इसमें किरकिरापन आ जाता है, तो इसलिए अच्छे से धो के और इसको मैं बारीक काट लूँगी, क्योंकि मेरा जो प्लान है इस बार पालक की सब्जी बनाने का नहीं है, पालक के पराठे बनाने का है। तो इसको मैं जितना हो सके बारीक ही काटूँगी जिससे कि आटे में ये अच्छे से मिल जाए। बहुत लोग होते हैं जो पालक को पीस के आटा मारते हैं, लेकिन मैं पालक को काट के ही आटा मारती हूँ, क्योंकि हम लोगों को छोटी छोटी पत्तियाँ जब मुँह में आती हैं पराठे में तो वो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, तो हम लोग पीस के आटे में नहीं मिलाते हैं, काट के मिलाते हैं। तो देखिए आपसे बात करते करते मेरा पालक भी कट गया है अच्छे से। इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम तो लगता ही है लेकिन फिर चीज़ भी अच्छी बन जाती है, और ये सब थोड़ा बोरिंग काम ही है तो ये सब मैं वीकेंड्स में ही करती हूँ, रोज़ तो इतना टाइम नहीं रहता और एनर्जी भी नहीं रहती है। तो ये देखिए कैसे पालक अच्छा दिख रहा है, ग्रीन 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 सब्जियाँ तो खानी भी चाहिए, फ़ायदा भी करता है, किसी भी रूप में खाइए, पराठे में, सब्जी में। तो ये हो गया है लेकिन मैं आटा बाद में मारूंगी, ये दो काम मैंने पहले ही कर लिए ब्रेकफास्ट बनाने के, क्योंकि ये थोड़े से बोरिंग काम थे। और अभी मैं आ गई हूँ, ये देखिए मैक्रोनी रखा है, आपको दिख रहा है पास्ता, तो अबनी बोली मम्मा ये पास्ते का पैकेट इतना बड़ा रखा है, ओपन भी नहीं हुआ है, तो पास्ता बना लेते हैं, बहुत दिनों से बनाया भी नहीं है। और ये पास्ता जो बन रहा है ये अवनी की फरमाइश पे, और अवनी की ही रेसिपी है, उसने यूट्यूब में देखी थी कहीं, तो उसी के बेस पे बन रहा है, वरना मेरा तो अलग ढंग है बनाने का। तो यही बस मैं प्याज चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक, अभी वो ही बनाएगी अपना पास्ता, मैं उसको ये सब करके दे देती हूँ, क्योंकि अभी वो अपना होमवर्क वगैरह कर रही है, तो मैंने कहा मैं तैयारी कर देती हूँ, तुम आ जाना और मुझे बता देना क्या करना है, क्योंकि मेरा पास्ता तो इंडियन बनता है सब मसाले वगैरह डाल के, लेकिन वो अपना अलग तरीके से बनाएगी। तो बस वही अभी तैयारी चालू है नाश्ते की, और ये देखिए सब प्याज चॉप हो गया है, चॉपर की मदद से सब जल्दी हो जाता है। और सबसे पहले तो मैं पास्ता उबालूंगी, बॉईल करूंगी, तो मैंने पानी चढ़ा दिया है, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है जिससे पास्ता आपस में चिपके नहीं। तो इससे क्या होता है, जैसे नूडल्स बनाते हैं हम लोग, आपने मेरा देखा होगा पिछला व्लॉग, नूडल्स को भी मैंने बॉईल करके छान लिया था और रनिंग वाटर में वॉश कर दिया था, तो उससे क्या है ये लोग आपस में चिपकेंगे नहीं, खिले खिले बनते हैं।
तो बस ये वॉश करने के बाद ये हो जाएगा प्रोसीजर। उसके बाद फिर इसमें बस मसाला वगैरह बनाना है, वही करेंगे। तो इतना होने के बाद देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये देखिए अवनी भी आ गई है, उसमें ये बटर डाल रही है कढ़ाई में। तो वो थोड़ा सा डाल रही थी, मैंने कहा नहीं थोड़ा ज़्यादा डालो तो और टेस्टी बनेगा। इन सब चीज़ों में थोड़ा बटर वगैरह ज़्यादा पड़े तो अच्छा लगता है। और मम्मी ने चाय बना दी है, तो मम्मी देखिए चाय पी रही हैं, और मैं भी यहाँ पे मेरी देखिए गैस पर चाय रखी हुई है, तो मैं चाय पीती जा रही हूँ और अवनी की हेल्प करती जा रही हूँ। तो बटर डालने के बाद अवनी बोली मम्मा इसमें मैदा डालो, तो इसको मैदे को भूनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। और मैदा भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे मिल्क, और इसमें इतना इसको बीट करना है कि लम्स ना पड़े, जो कि हमारे देखिए पड़ रहे हैं। हम लोगों ने बीट किया कैसे कर दिया, धीरे धीरे डालना चाहिए था, हमने एक साथ डाल दिया, लेकिन बाद में वो लम्स हट जाएंगे। अच्छे से बीट करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा मिल्क और पड़ेगा। तो ये अवनी की रेसिपी है, इसने देखी थी पास्ता वाइट सॉस करके। मैं तो ये सब ऐसा मैंने नहीं बनाती हूँ, मैं तो सिंपल प्याज टमाटर वो सब करके ही बनाती हूँ, लेकिन उसको पसंद है ये, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज ऐसा बनाते हैं। और बहुत यम बना था, बहुत टेस्टी बना था। अवनी को भी कुकिंग का बहुत शौक है, वो अपना शाम का नाश्ता खुद ही बनाती है, मुझे तंग नहीं करती कि मम्मा मुझे भूख लगी है मेरे लिए बना दो। वो अपना ऑमलेट, एग हाफ फ्राई ये सब खुद ही बना लेती है शाम को, ब्रेड सेक के उसमें बटर जैम लगा देना। अभी देखिए इसमें इसने पास्ता डाल दिया है बॉइल्ड, और ये है ओरिगैनो चिली फ्लेक्स, ये जो पिज़्ज़ा के साथ जो मिलते हैं चिली फ्लेक्स, वो मैं सब पैकेट्स रख लेती हूँ, तो देखिए इसमें ही काम आ गए, मैं फेंकती नहीं हूँ। और थोड़ा सा ऊपर से नमक डालना है, और पास्ता बन के रेडी है। बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही यम बना था। ये थोड़ा सा ओरिगैनो मैं और डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स ओरिगैनो। तो ये देखिए ये है, मम्मी भी थोड़ा सा अब आगे बैठ गई है क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत कर ली। और यहाँ पे देखिए ये दोनों बैठे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और ये अपना कुछ कर रही है। और इधर पास्ता बनने के बाद मैं आ गई हूँ ऑमलेट बनाने, हस्बैंड का वो ऑमलेट खाते हैं और अवनी हाफ फ्राई एग खाती है। तो ऑमलेट के लिए मैंने सबसे पहले तवा ले लिया है, उसमें घी से वो कर दूँगी ग्रीसिंग, और उसके बाद ये ऑमलेट फेटा हुआ, अंडा फेटा हुआ, उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्ची हरी धनिया बारीक कटा हुआ डाल के एक सिंपल सा ऑमलेट बना दूंगी। तो नाश्ता हो जाएगा, पास्ता हो गया, ऑमलेट हो गया, चाय हो जाएगी, अपनी का हाफ फ्राई हो जाएगा। संडे के दिन ऐसे ही होता है, कभी कभी हम लोग आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने लूची आलू बनाए थे, कभी चाउमीन बना लिया इस तरीके से। और ये है अपनी का पोच हाफ फ्राई, तो ये बनेगा, अवनी को यही पसंद है। और आज देखिए उसका जो येलो योक है वो फैल गया है, तो अब वो मेरे पे चिल्लाएगी मम्मा ये फैला क्यों दिया, वरना हमेशा सॉलिड इंटैक्ट बनता है, आज ही फैल गया है। देखिए अभी वो मेरे को बोलेगी मम्मा ये क्या कर दिया। तो ये देखिए अभी ये अपना बैठी हुई है, मोबाइल देख रही है, और बस फिशेज अपना एक्वेरियम में मस्त होके देखिए स्विम कर रही हैं और अपना दाना खा रही हैं। और पास्ता रेडी है, और इधर ये पैकेट सूप बन रहा है, मंचूरियन वेज मंचाओ सूप पैकेट सूप, जो कि अवनी बोली मम्मा पास्ता के साथ बहुत अच्छा लगता है बना दो। और इधर मैंने मम्मी को बोला है मम्मी सब कुछ रेडी है अब आप परस दो, परसने का काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं मम्मी को ही बोलती हूँ, तो वो बेचारी परस देती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। तो वो देखिए परस रही हैं सारा, और अवनी इधर मोबाइल में लगी हुई है, देखिए मम्मी सब परस रही हैं। और मम्मी ने नाश्ता वगैरह परस दिया है, और मैं और अवनी आ गए हैं पास्ता खाने, और थोड़ी सी मैगी बची थी कल शाम की, तो वो भी मैंने मम्मी को बोला मम्मी वो गरम कर देना, खा लेंगे अभी इसके साथ ही तो अच्छा लगेगा। तो बस हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, और आज अवनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जो कि इन तीन फ्रेंड्स मिल के करेंगी, तो उसमें से एक फ्रेंड आज इसके हमारे घर आने वाली है अवनी की, तो वो भी वो प्रोजेक्ट के लिए फटाफट मैंने कहा नाश्ता कर लो तुम्हारी फ्रेंड आ जाएगी, उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम पूरा दिन बिजी हो जाओगी, तो प्रोजेक्ट करना है क्योंकि कल इन लोगों का सबमिशन डेट है, तो आज ही का बस लास्ट डेट है। तो देखिए ये पापा के साथ बैठ के प्रोजेक्ट निपटा रही है, और पापा इसकी हेल्प कर रहे हैं, अभी इसकी फ्रेंड भी बस आ जाएगी थोड़ी देर में। तो बस
तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।